स्टूडेंट्स uh, मुझे इस मॉड्यूल में आपसे वर्ब फ्रेज डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है वर्ब जैसे कि आप जानते हैं कि एक्शन वर्ड होता है जिससे आप किसी काम का करना या होना ज़ाहिर होता है तो so, इसको अगर हम कहें कि अ ग्रुप ऑफ टू आर मोर वर्ड्स फंक्शनिंग एज अ मीनिंगफुल यूनिट विद इन अ सेंटेंस आर अ क्लॉज ये तो फ्रेज की डेफिनेशन है और वर्ब फ्रेज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो अ वर्ब फ्रेज इज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड मेन वर्ब एंड एन एक्सिलरी वर्ब्स एक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं दैट कम बिफोर और आफ्टर इट द मेन वर्ब इन इन अ वर्ब फ्रेज इंडिकेट द एक्शन और अ स्टेट ऑफ बींग इन देंटेंस यानी किसी सेंटेंस में किसी काम का होना या करना ज़ाहिर करता है और इसकी अगर एग्जाम्पल हम लें uh, कॉमन वे मेन वर्ब्स इंक्लूड इसमें क्या है वो वर्ब्स पहले मैं बताता हूँ उसमें क्या है वर्ब्स जो रन है ईट सिंग स्लीप एंड स्टडी तो ये डिफरेंट अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में वर्ब के साथ साथ हम दूसरी फ्रेजेस को भी यूज़ करते हैं नाउन फ्रेज को प्रपोजिशनल फ्रेज को uh, एडवर्ब फ्रेज को और दूसरी फ्रेजेस भी यूज़ होती हैं याद रखें अकेली एक फ्रेज इस्तेमाल नहीं होती बल्कि डिफरेंट हाँ उसमें जो इस इसमें जो वर्ब फ्रेज का जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम फोकस हमारा वर्ब फ्रेज पे होगा एक्जरी uh, वर्ब्स जो यानी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो यूज किए जाते हैं टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेज मूड्स एंड वॉइसेस इन इंग्लिश मसलन कॉमन एक्जरी वर्ब्स क्या हैं इंक्लूडिंग बी डू हैव विल एंड कैन इस तरह बहुत से ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हम एम मे विल आर वर कुड माइट बिन हैज़ इज़ डज तो ये इस तरह करके इस तरह शेल और तो मतलब ये जिस तरह हम उनको यूज़ करके हम एक्सिलरी वर्ब्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं ग्रामर में सेंटेंसेस बनाने के लिए और वर्ब्स को भी जब वर्ब फ्रेजेस डेवलप कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने वर्ब्स ने सेंटेंस uh, में टेंस को भी शो करना होता है यानी ज़माने की बात भी करनी होती है तो वो एक्सिलरी वर्ब्स को वर्ब uh, के साथ हम यूज़ करेंगे तो ये सेंसन कन्वे होगी द प्लेसमेंट ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब की जो प्लेसमेंट है इन वर्ब फ्रेज कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टेंस आर मूड यानी इनका मैंने अभी बताया कि ये टेंस के लिहाज से इनका यूज होगा एक्सिलरी वर्ब का वर्ब्स के साथ टेंस और ज़माने के लिहाज से होगा सेंटेंस में अब फॉर एग्जांपल एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में द एक्सिलरी वर्ब हैव बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल उससे पहले पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से पहले आएगा ऑफ द मेन वर्ब जैसा कि आई ईटन अब ईटन क्या है पास्ट पार्टिसिप फॉर्म है वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उससे पहले ही आप हैव एक्सिलरी वर्ब आ रहा है तो आई हैव और अगर हम सिंगुलर नाउंस प्रोनाउंस यूज करें ही शी वगैरह तो फिर वहाँ हैज़ आएगा तो हैज़ ईटन तो इस तरह हम इनको प्रोनाउंस के लिहाज से इनको हम चेंज भी कर सकते हैं वर्ब फ्रेज डिवेलपमेंट कैन बी डिवेल्प बाई यूजिंग डिफरेंट मेन वर्ब्स एंड एक्जिलरी वर्ब्स टू कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स एंड नाउन्स को यानि डिफरेंट नाउन्स और डिफरेंट मीनिंग्स उनकी मुख्त सेंसिस को कन्वे करने के लिए हम ये वर्ब फ्रेज डिवेल्प कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ एग्जिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ सिंगिंग यूज़ द प्रेजेंट टेंस ऑफ द मेन वर्ब सिंगिंग सिंग एंड द एक्सिलरी वर्ब क्या है इज़ सो टू इंडिकेट दैट द एक्शन इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट ठीक है या मतलब ये है कि अब जो पार्टिसिपल uh, फॉर्म के साथ हेल्पिंग uh, वर्ब जो है वो यूज़ होगा तो इस तरह ये एक टेंस uh, के लिहाज से जो फ्रेज uh, डेवलपमेंट है यानी वर्ब फ्रेज है वो अपने मीनिंग कन्वे करेगी अब हम डिफरेंट अंदाज से इसकी एग्जाम्पल से हम आ, इसको यूज़ कर सकते हैं हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो अंडरस्टैंडिंग वर्ब फ्रेज़ेस डिवेलपमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन तो इसके बगैर हम अपनी कम्युनिकेशन को करेक्टली और इफ़ेक्टिवली नहीं कर सकते कम्युनिकेट नहीं कर सकते अगर हम वर्ब फ्रेज को करेक्टली यूज़ नहीं करेंगे तो बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मेन एक्जिलरी वर्ब्स अभी मैं मिसालें भी आपको देता हूँ इसकी स्पीकर राइटर्स कैन कन्वे अ वाइड रेंज ऑफ मीनिंग एंड एक्सप्रेस डिफरेंट टेंसेस मूड्स एंड वॉइस अब फॉर एग्जाम्पल है कि देखें लुक वर्ब है अब लुक को हम डिफरेंट एग्जिलरी वर्ब्स के साथ हम यूज़ करें तो हर एक के वर्ड के डिफरेंट मीनिंग हो जाएंगे आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे जैसे लुक uh, बैक लुक फार लुकारू लुक इन लुक ऑन लुक आउट लुक राउंड लुक टू और लुक टू लुक अप अब ये लुक वर्ड जो जो वर्ब है ये डिफरेंट एक्जिलरी फ्रेजे के साथ यूज़ होके प्रपोजिशन के साथ भी इस्तेमाल होकर तो इसके मीनिंग्स भी डिफरेंट हो जाएंगे इंटायरली जो है तो ये डिफरेंट फ्रेजेस में यानी ये जो वर्ब फ्रेजेस हैं इनको हम एक्सिलरी वर्ब्स का के साथ प्रपोजिशन के साथ हम इस्तेमाल करके हम इसको इंटायरली डिफरेंट मीनिंग और कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस हैं वो भी कन्वे कर सकते हैं और बना सकते हैं अब वर्ब फ्रेजेस की स्मॉल फ्रेजेस फॉर किड्स जैसे डोंट आस्क आस्क मी स्पीक अप यानी ऊंचा ऊंची आवाज़ में बोलें स्पीक सॉफ्टली नरमी से बात करें डोंट शाउट कीप क्वाइट स्टॉप टॉकिंग अ लिटल लाउडर जरा लाउड करके तो डोंट मम्बल डोंट क्राई अगेन डू सो यूज योर माइंड और थिंक अबाउट वॉचिंग केयरफुली थिंक अबाउट इट सेंस कम्प्लीट हुई वॉच केयरफुली तो ये स्मॉल किड्स हैं जैसा कि आपको पता है कि जो स्मॉल किड्स हैं ये छोटे बच्चे हैं वो सिंगल वर्ड या सिंगल वर् फ्रेज के साथ कोई प्रपोजिशन लगा कर या कुछ इस तरह करके वो अपनी मीनिंग्स कन्वे कर लेते हैं तो स्टडी हेयर होल्ड द लाइन टू ट्राई अगेन सेटअप स्ट्रेट हैवी हैव यू फूड हैव वाटर ईट स्लोली हैव यूर ब्रेकफास्ट तो ये डिफरेंट स्मॉल फ्रेजेज हैं बच्चों के लिए जिनको वो यूज़ करके लेंग्वेज का uh, वो यूज़ कर सकते हैं और जो वर्फ फ्रेज है उसका यूज़ सीख सकते हैं तो ये था जो हमारा मॉड्यूल जिसमें मैंने आपसे वर्ब फ्रेज़ के डिफरेंट यूजेस के साथ बात की आपसे और किस तरह वो मुख्त प्रपोजिशन के साथ हेल्पिंग वर्ब्स के साथ और एडवर्ब फ्रेज के साथ और दूसरे फ्रेजेस के साथ यूज़ करके सेंटेंसेस को मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव बनाता है कम्युनिकेशन को तो ये था हमारा इस मॉड्यूल में वर्ब फ्रेज के बारे में डिस्कशन